May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, बैठिए. अपना परिचय दीजिए बिना नाम बताए. सर मैंने 10th क्लास कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़ से की है, 12th भी उसी स्कूल से की है, उसके बाद में बीएससी महाराजा कॉलेज जयपुर से, इसके बाद में पीजी एमएससी फिजिक्स से की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से. हॉबीज क्या आपकी? हॉबी सर मेरी बैडमिंटन खेलना है. खेलते हैं सच में बैडमिंटन? हाँ सर. कहाँ तक खेला है बैडमिंटन? सर ऐसे नहीं खेला, जयपुर आने के बाद में रूममेट के साथ डेली शाम को 1 घंटे के आसपास. अच्छा ठीक है. क्यों खेलते हैं बैडमिंटन? सर एक तो एक्सरसाइज के लिए, मेंटली और फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है. ओके ठीक है. आपने एमएससी किया? फिजिक्स है सर. फिजिक्स से. तो आप साइंटिस्ट क्यों नहीं बनना चाहते हैं, या इसी फिजिक्स के फील्ड में आगे अपना करियर क्यों नहीं बनाना चाहते? जी सर मैं 2019 के बाद से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया था, लेकिन उस समय आरएस की वैकेंसी 18 वाली भी चल रही थी, तो एज ए बैकअप प्लान के तौर पर मैंने एमएससी फिजिक्स से की थी. क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास फिजिक्स से? सर एक तो बीएड करने के बाद में टीचर्स में जा सकते हैं, और साइंटिस्ट वगैरह में भी जा सकते हैं एमएससी फिजिक्स से करने के बाद. और सर इतना ही पता है अभी. अच्छा ठीक है. फिजिक्स बेसिकली क्या होता है? फिजिक्स सर जो ब्रह्मांड है ना, उसके मूल नियमों की खोज करना और उनके नियमों का पता लगाना. तो ये एस्ट्रोलॉजी क्या होती है फिर? एस्ट्रोलॉजी सर फिजिक्स की ही ब्रांच हो गई है. एस्ट्रोफिजिक्स? हाँ सर. ठीक है. ये जो पेन मेरे हाथ में है जी सर, तो इसका आगे का पॉइंट चलता है तो ये लिखता है, इसमें कौन सा फिजिक्स है? सर इसमें एक तो गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है, जब ये निप दबती है उसके बाद में स्याही आती है, और एक साइड सर कैसी कात्व की भी लगती है. कई कैसी कात्व इसमें लगता है? इसमें नहीं लगता सर, दूसरे. ये फ्रिक्शन होता है उसका बोल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? सर इसके बारे में जानकारी नहीं. ओके. आपके दैनिक जीवन में फिजिक्स का रोल कहाँ कहाँ है? सर दैनिक जीवन में अपन लगभग हर फील्ड में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, और जो भी फील्ड अपन जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जहां तक सोच सकते हैं वहीं हर फील्ड में है फिजिक्स का. मतलब सब जगह फिजिक्स है? हाँ लगभग मैक्सिमम जगह. ओके ठीक है. आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? सर आरएस में पहला तो इसका सोशल प्रेस्टीज सबसे ज्यादा है, दूसरा वर्क डाइवर्सिटी है इसके अंदर, तीसरी सर समाज के लिए भी अपन काम कर सकते हैं और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, और फील्ड में भी कर सकते हैं, पर इसमें तुलनात्मक रूप से अपने पास वो सत्ता ज्यादा रहती है, उस आधार पर अपन ज्यादा निर्णय ले सकते हैं अच्छे. सत्ता मंत्री के पास ज्यादा रहती है या आरएस के पास ज्यादा रहती है? सर वैसे तो मंत्री के पास ही ज्यादा रहती है, पर मंत्री अस्थायी कार्यपालिका होती है, जबकि आरएस स्थायी कार्यपालिका होती है, उस आधार पर मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है. ठीक है सर. आप पूछिए. आप रहने वाले जयपुर डिस्ट्रिक्ट? जी सर. और जयपुर शहर में भी रहे हो क्या कुछ टाइम? नहीं सर मैं जयपुर ग्रामीण से हूँ, जयपुर शहर में, जयपुर में एजुकेशन के लिए आया उसके बाद में. जयपुर में कितने जिले बन रहे हैं अभी? सर अभी 4 जिलों की है सर. क्या क्या? जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दूदू, कोटपुतली, बैरोड. पर सर जयपुर उत्तर और दक्षिण की जगह जयपुर ग्रामीण बनाने का प्रस्ताव है सर, जयपुर शहर और ग्रामीण. अभी जैसे दूदू को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो रही है, उसमें कुछ डिस्प्यूट हो रहा है या कोई लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं? सर फुलेरा और सांबर क्षेत्र के लोग दूदू में मिलाए जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दूदू की तुलना में फुलेरा और सांबर अधिक रूप से विकसित है, और उनकी मांग भी काफी पहले से शुरू की गई है जिले की, इसलिए वो दूदू में मिलाए जाने का विरोध कर रहे हैं. अभी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन कर लिया दूदू बनाने का, या सांबर और फुलेरा को बना सकते हैं? सर अभी गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि जो निवासी जहां जिस जिले में रहना चाहते हैं उनको उसी जिले में रखा जाएगा, और जहां तक संभव है फुलेरा और सांबर को जयपुर ग्रामीण में रखने का है. अभी ज्यादा जिला बनाने का औचित्य क्या है, क्यों बना रहे हैं ज्यादा जिले? सर ज्यादा जिला एक तो प्रशासन का जनता से जुड़ाव बढ़ता है, दूसरा योजनाओं की मॉनिटरिंग ठीक से हो पाती है, तीसरा छोटा जिला होता है तो लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, और चौथा डेवलपमेंट वहां पे नई बिल्डिंग वगैरह बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इंडस्ट्री आने का भी स्कोप है. भारत की आबादी तो बढ़ के कितने करोड़ हो गई अब? सर 138 करोड़ के आसपास हो गई सर, एक्चुअल डाटा मुझे अभी ध्यान नहीं है. अभी ऐसा कह रहे हैं कि भारत कुछ दिनों बाद चाइना से भी आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन में और नंबर 1 हो जाएगा वर्ल्ड में, ऐसा है क्या? जी सर अभी एक
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का डाटा है, उसमें तो पहले स्थान पे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा बताइए, अभी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, उनमें से एक दो के नाम बताओ। जी सर, वो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, दो बच्चे करो, तीन करो, एक से ज्यादा करो। अभी रिसेंटली चाइना ने भी बढ़ावा देना की घोषणा की है, पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी उनके वहाँ। इसके अलावा सर मुझे एग्जैक्ट शायद याद नहीं यार, लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज में ऐसे हो सकते हैं, अभी मुझे और ध्यान नहीं है सर। अभी जलवायु परिवर्तन के बारे में बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट चेंज? सर जो अर्थ के सौभ मंडल के आसपास का एरिया है ना, उसके एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि है सर, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है? मैम ये सक्शन पावर के आधार पर काम करता है। कहाँ का यूज होता है वैक्यूम क्लीनर? मेनली मैम ये सफाई में यूज होता है। नहीं सफाई में तो होता है, जो उस पे जो लगाए जाने वाला सिद्धांत है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? सॉरी मैम मुझे इसकी जानकारी। अच्छा, ये ब्लैक होल का नाम सुना है? जी मैम। क्या होता है ब्लैक होल? ब्लैक होल मैम अंतरिक्ष में ऐसी जगह जहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता और जहाँ पे सूर्य की किरणें भी मुड़ जाती है, और उसका ग्रेविटेशनल पावर बहुत अधिक होता है, जो हर चीज उसके अंदर जाती है उसको समा लेता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मैम, ये क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट मैम जहाँ पे द्रव अवस्था होती है वो वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाती है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स मैम फिजिक्स का नया कंसेप्ट है, जिसमें पदार्थ को मतलब माइक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, जिसमें पदार्थ की प्रकृति प्राणी भौतिकी के अनुसार नहीं आती, इसमें पदार्थ मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के कारण उसके गुणों में भी परिवर्तन आता है, और इसके कुछ सिद्धांत है जैसे क्वांटम इंटेगलमेंट और क्वांट सुपरपोजिशन, ये सिद्धांत के कारण। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? प्लाज्मा मैम। क्या होता है प्लाज्मा मैम? इसमें आवेशित कण होते हैं मैम, आवेशित आयंस होते हैं गैसों के, उसको ही बोलते हैं फोर्थ। अच्छा, आप अपने अभी तक का जो स्टडीज है जी मैम, उसमें आपने अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज डेवलप की है? By education, by your grooming, क्या आप में qualities develop हुई है? जी मैम, education के द्वारा से मैम पहली क्वालिटी मेरे नॉलेज में enhance हुआ है मैम, उसके अलावा सेकेंड मैम मेरा एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हुई है, थर्ड मैम एक अलग अलग ग्रुप के साथ रहने इंटरेक्शन करने से मैम ऑब्जेक्टिविटी का मूल्य आया है, और मैम अभी मैं मैम नहीं सोच पा रहा। अच्छा, आप में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है कि आपको आरएस बना दिया जाए? जी मैम, पहली मैम क्वालिटी में जो आवश्यक योग्यताएं वो अर्जित की है मैम, दूसरी आवश्यक योग्यताएं कौन सी मैम? प्री मेंस और जो डिग्री वगैरह चाहिए। अच्छा, दूसरे मैम मैं ऑब्जेक्टिविटी का वैल्यू है मेरे अंदर, जो समाज में सभी वर्गों के साथ कार्य कर पाऊँ, सामंजस्य स्थापित कर पाऊँ। दूसरा मैम मैं एक मैं मतलब कंसियस डेवलप कर सकता हूँ आम लोगों के बीच में, साथ वालों के साथ मैम, जैसे मैं मेरे फ्रेंड ने इलेक्शन लड़ा था तो कॉलेज में उसकी कैंपेनिंग में मैंने साथ में कार्य किया था, जब प्रशासन में भी लोगों को साथ मिलकर सहमति निर्माण करवाना, जैसे कई बार जैसे विरोध प्रदर्शन होते हैं उनमें। ठीक है, फिजिक्स में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? सर सीवी रमन सर को मिला है, और सी चंद्रशेखर। इनकी खोजें क्या थी? चंद्रशेखर को सर चंद्रशेखर लिमिट बताई थी, जिसमें सर कौन सा तारा मतलब व्हाइट बोन एग्जैक्ट सर याद नहीं आ रहा, सुपरनोवा विस्फोट से रिलेटेड ऐसे थी, कौन सा ग्रह बोना ग्रह बनेगा और क्या बनेगा, तारों के दहन से रिलेटेड थी सर। चंद्रशेखर जी को कौन से साल में नोबेल पुरस्कार मिला? एग्जैक्ट नहीं ध्यान सर, दस बीस साल सर 1930 के आसपास। नहीं नहीं, सीवी रमन को मिला है 1930। चंद्रशेखर सर का नहीं ध्यान। कालवाड़ का कोई ऐतिहासिक महत्व भी है क्या? सर कालवाड़ के पास में सर एक मुंडता दुर्गवान नरुका राजाओं का किला बनाया हुआ है, चौहान वंश, चौहान के सर कछुआ वंश की एक शाखा के। कालवाड़ का युद्ध भी कोई ऐतिहासिक युद्ध हुआ है कहीं? नहीं सर, मेरा तो ध्यान नहीं सर। आप बैडमिंटन खेलते हैं, भारत ने अभी हाल ही में कुछ बड़े प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जीते हैं इंटरनेशनल,
बता सकते हैं सर? अभी लक्ष्य सेन ने रिसेंटली कनाडा ओपन जीता है सर। इससे पहले भी एक अचीवमेंट हुई है सर इंडोनेशिया में सर, उस सीरीज का नाम सर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो जीती है अभी थॉमस कप सर। उसमें कौन सा इवेंट में जीते सर? टीम इवेंट में जीते शायद सर। थॉमस कप को ऐसे क्या माना जाता है? इट इज ए वर्ल्ड चैंपियनशिप और अदरवाइज शायद सर वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी छूटें और रियायतें दी गई जी सर, और उस जनता तक पहुंचाने के लिए राहत कैंपों का भी आयोजन किया जा रहा है। कोई इसमें कई तरह की छूटें, आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन छूटें हैं? जी सर बिजली से रिलेटेड है दो, तो एक तो क्या छूट है? एक तो 100 यूनिट बिजली हर कनेक्शन पे दी गई है, दूसरी कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट बिजली दी गई है। इसके अलावा सर एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपए की छूट दी गई है, और छूट डायरेक्टली और तो यही है सर। इसके अलावा और स्कीम्स हैं एलपीजी में जो 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, वो सभी महिलाओं को दिया जाएगा या किसी सर, कुछ महिलाओं को दिया जाएगा? उज्ज्वला योजना में जिन्होंने कनेक्शन लिया उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा। और बिजली की जो छूट दी जा रही है 100 यूनिट की, वो कुछ ही लोगों को दी जाएगी या सबको दी जाएगी? वो सर सभी को जिनका जनाधार होगा, एक जनाधार पे एक कनेक्शन को छूट। तो आप ये महिलाओं के साथ जो छूट लिमिट की गई है उसको ठीक मानते हैं सर? कुछ ही महिलाओं को दे रहे हैं, सभी महिलाओं को देना चाहिए थी? जी सर देना सभी को चाहिए, पर सरकार के संसाधनों की सीमितता को देखते हुए एलपीजी तो 100 यूनिट को जो सबको दी जा रही है उसमें संसाधन प्रभावित नहीं होंगे? 100 यूनिट में भी सर मेरे विचार में कम किया जाना चाहिए उसको भी सर। राजस्थान के जो सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जिसे हम मुख्य सचिव कहते हैं जी सर, कौन है सर? उषा शर्मा मैम है। आपके एरिया के सांसद कौन है? सर मेरे एरिया के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।